तो मेरे नानी स्टार्ट कर दिया है नारियल नाड़ू बनाने का प्रोसेस। तो काल लक्की पूजा है तो मेरे नानी मेरे को हेल्प कर रही है। ये देखो, ये नारियल को तोड़ के रख दिया है और नारियल अभी कद्दूकस कर रही है मेरी नानी। और अभी हम लोग ना नारियल नाड़ू बनाएंगे। तो जो नारियल का लड्डू है ना, गुड़ से बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे वो भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो नारियल को मैंने अच्छे से धो के क्लीन करके एकदम और इस तरह से तोड़ के रखा है। आप देखो, इसको है ना इस तरह से क्लीन करना पड़ता है अच्छे से, नहीं तो इसका जो चूरा है ना वो फिर नारियल में गिरता है। तो इसलिए अच्छे से क्लीन किया, इसको धो के फिर ऐसे रख दिया है। तो अभी नानी देखो, इस तरह से कुराया जाता है नारियल को। तो इस तरह से कद्दूकस करके उसके बाद नाड़ू बनता है। अगर मिक्सी में करेंगे ना तो उतना बढ़िया नहीं होता, तो इसलिए इस तरह से किया जा रहा है। तो नानी हेल्प कर रही है मेरा आज, और मैं साथ पे बैठ के कर रही हूँ। अभी यहाँ पे देखो, मेरे पिजन अभी छोड़ दिया है, सारे पिजनों को ऊपर जाके बैठा है सारे, तो ऊपर ही कर रही हूँ मैं। और अभी पूजा का बर्तन भी है, मैं ऊपर ही लेके आई हूँ क्लीन करने, दिखाती हूँ अभी। तो चलो अभी दिखाती हूँ, ये मेरे पूजा का बर्तन कहाँ रखा है। ये देखो, यहाँ पे मैंने सारे पूजा का बर्तन अभी रख दिया है। अभी इसको क्लीन करूँगी, तो क्लीन करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि काल है पूजा। तो हाँ, सुबह मेरे घर पे पंडित आ जाएंगे बहुत सुबह, तो इसीलिए मेरे को पहले ये सारे बर्तन अभी क्लीन करके नहीं रखूँगी ना, तो काल सुबह मैं नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए अभी क्लीन करूँगी सारे पूजा का बर्तन। ये देखो यहाँ पे है, और अभी सब क्लीन करूँगी। तो इसको क्लीन करने के लिए लेके ही पीतम्बरी पाउडर, इससे एकदम चकाचक हो जाएगा, तो इसको लगा के रखूँगी। उसके बाद फिर साबुन से अच्छे से इसको क्लीन करूँगी। तो ऐसे पीतल के बर्तन ना जल्दी से एकदम साफ नहीं होता, पीतम्बरी से बढ़िया साफ हो जाता है। ये थाली में जो सिंदूर दिख रहा है ना, ये अभी वो जो दुर्गा पूजा में माता को वरण करने ये थाली लेके गई थी, पूरा सिंदूर सिंदूर हो गया था, तो ऐसे ही रख दिया था। तो अभी सारे क्लीन करूँगी, क्योंकि काल ये सारे बर्तन मुझे चाहिए पूजा के लिए, तो इसीलिए आज ही क्लीन करके रखूँगी। सुबह सुबह पंडित आ जाएंगे ना, तो फिर नहीं कर पाऊँगी मैं सब कुछ एक साथ में, और मुझे अकेले ही करना है सारी। इस बार कोई हेल्प करने वाले नहीं है, बस मेरे नानी आई है, नानी के थोड़ा मदद से हो जाएगा सब कुछ। सारे बर्तन तो चकाचक करके रख दिया है, क्योंकि सुबह ही पूजा है, तो मेरे को सारे प्रिपरेशन रात को ही करना है। और यहाँ पे फूल देखे गए थोड़ी देर पहले, तो फूल वाले को ना जो पैसे दे के आए थे, जो हमारे यहाँ पे बाग में लोग फूल के बाग होते हैं ना, तो बाग वाले को हम बोल के आए थे, तो वो अभी घर पे दे के गया है शाम को आके। तो ऐसे गंदे 1 किलो यहाँ पे है गंदा फूल है, तो ये देखो ये गंदे का फूल है, तो इस तरह से 2-3 कलर के गंदे हैं इसमें। तो ये 1 किलो मंगाया है, ताकि इसमें माला भी बन जाएगा और जो पूजा के लिए चाहिए तो वो सारे कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे गुलाब, तो ये गुलाब मैंने मंगाया है, ये देखो ये 1 किलो गुलाब है। तो गुलाब को, गुलाब ना थोड़ा मैं मंदिर को अच्छे से सजाऊंगी, डेकोरेशन करूंगी, तो इसीलिए मैंने गुलाब मंगाया है। तो ये गुलाब ना अभी थोड़ा सा इसमें पानी में रख दूंगी, ताकि सारे ना सुबह तक खिल जाए। तो इस तरह से रखने से क्या पता है ये थोड़ा सा ऐसा हो जाए, तो सुबह तक इसमें जितना कली कली है ना वो अभी खोल के रखूंगी और थोड़ा पानी में रखूंगी। तो ये जो मेरे पूजा का बर्तन है ना, इसमें से एक बर्तन में पानी रख के ये फूल रखूंगी, ताकि एकदम ये देखो ये इस तरह से जो कली है ना ये सुबह खिल जाएगा अच्छे से। तो ये कली है। नानी भी अभी माला जप के आके बैठी है, और मैं अभी ये सारे फूल देख रही थी कि क्या क्या फूल देके गए हैं वो। तो फूल वगैरह अभी थोड़ा सा पानी में रखूंगी, और उसके बाद नीचे जाकर चाय पीऊंगी, उसके बाद नाड़ू बनाऊंगी। तो शाम को, आज दोपहर को ही हमारे मंदिर सेट हो गया है, और आज भगवान को इस तरह से मैंने पूजा के इस साइड में रख के कल तक सारे भगवानों को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और स्थापना भी होंगे सुबह पंडित जी आके करेंगे। तो कल कोजागरी लक्की पूजा, मेरा माँ लक्की का स्थापना भी है कल, मतलब माँ लक्की का प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे कल, तो सब कुछ दिखाऊंगी मैं कल। तो आज शाम का देखो इस तरह से किया है, और कल तक देखते सारे भगवान जब मंदिर में रखेंगे, उसके बाद फिर तो आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी मैं। तो चलो नीचे जाके चाय पीती हूँ।
गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू जय फैमिली ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आज शाम को अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज जो है लक्ष्मी पूजा का प्रिपरेशन चल रहा है। तैयारी जितना कुछ है, नाड़ू वगैरह बनाना होता है, तो कल सुबह सुबह पहले जो है पंडित जी मेरे घर पे पहले ही आएंगे, तो मेरे को सब कुछ सुबह सुबह रेडी करने में बहुत परेशान हो जाऊंगी मैं, तो इसीलिए आज आधा प्रिपरेशन करके रखूंगी। तो जो है नारियल का जो नाड़ू होता है ना, नाड़ू बनाऊंगी अभी, तो नारियल का लड्डू और साथ में जो भी प्रसाद है वो सब अभी बनाऊंगी। तो शाम को अभी मेरे नानी मेरे को जो है नारियल कद्दूकस करके दिया है, अभी नाड़ू बनाऊंगी मैं और मेरे नानी। तो नानी यहाँ पे बैठी है, देखो बैठ गई है। सब फ्रेंड अभी मैं जो है तैयारी कर रही हूँ और अभी नाड़ू बनाऊंगी, तो इसीलिए नीचे अभी ये देखो यहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह लगा लिया है, और जो है छोटा एक गैस पे बनाऊंगी क्योंकि ये मेरा पूजा का है, इसको मैं कभी नॉनवेज वगैरह इसमें नहीं लगाती, बस पूजा के टाइम निकालती हूँ ये गैस। तो अभी ये सब बनाऊंगी। तो बाकी जो शाम को पूजा का सारे बर्तन चकाचक कर लिया है मैंने और नारियल को दुकस कर लिया था शाम को ही, और उसके बाद पूजा करके थोड़ा चाय वगैरह पी के अभी आई हूँ ऊपर, और अभी ये नाड़ू का प्रोसेस चलेगा। तो चलो अभी पहले नाड़ू बनाती हूँ, और नाड़ू कैसे बनाती हूँ चलो दिखाती हूँ। नारियल कोरा जो है नारियल को दुकस किया हुआ नारियल है, और यह गुड़ है तो गुड़ से ही बनाऊंगी नारियल का जो है नाड़ू। तो यहाँ पे बना रही हूँ, अभी गैस पे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे नारियल और गुड़ को डाल दिया है कढ़ाई में एक साथ, तो ये छोटा छोटा टुकड़ा करके डाला है। इसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में, और जब अच्छे से गलेगा तो पानी छोड़ेगा, तो सब कुछ एक साथ पकाना पड़ेगा काफी टाइम तक। अभी देखो प्रोसेस क्या क्या चलता है। उनका प्रोसेस कंप्लीट है, देखो इस तरह से जब कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो समझ लो एकदम ये हो गया है। और अभी इसका लड्डू बांधना है, लड्डू बनाएंगे अभी इसका। तो अभी गैस को कर देंगे बंद क्योंकि ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। ये देखो तो गुड़ और नारियल जब इस तरह से हो जाए तो समझ लो कि ये नाड़ू के लिए एकदम रेडी हो गया है। अभी आप इसको बस उतार के छोटा छोटा नाड़ू बनना है। तो नाड़ू बनाने का प्रोसेस देखो, ये अलग स्टाइल में मेरे नानी का स्टाइल है। तो नानी क्या किया, उसमें से थोड़ा सा लिया, और ये देखो इस तरह का जो साज होता है ना, थोड़ा सा लेके इस तरह से इसको पीसना है। मतलब ये अलग स्टाइल है, मेरे नानी का स्टाइल है। तो इस तरह का देखो ये नारियल का। तो अब नाड़ू बना रही हूँ मैं इस तरह से, ये देखो नाड़ू बना के रेडी कर दिया है। और अभी बनाऊंगी ये मूढ़ी है मुरमुरा का जो है लड्डू, तो अभी मुरमुरा का लड्डू बनाऊंगी। देखो नाड़ू कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से गोल गोल करके हमने नाड़ू बना लिया है, बहुत ही बढ़िया नाड़ू बना है। और यह तो मूढ़ी है, तो मूढ़ी से अभी मूढ़ी का मुआ बनाऊंगी। तो उसके लिए अभी गुड़ को अच्छे से चाशनी बनाना पड़ेगा। तो चलो, और यहाँ पे देखो ये गुड़ रखा है, तो नाड़ू बना के अभी भी गुड़ इतना है ये तिल का लड्डू के लिए, और गुड़ बाकी डाल दिया है चाशनी के में। गुड़ को बॉयल करने दे दिया है मुआ के लिए, तो इसका ना पहले चाशनी बनाएंगे। अभी हम मुआ बनाएंगे ना, मूली का जो मुआ है, तो मुआ के लिए ऐसे रेडी कर रही हूँ गुड़ को, चाशनी को थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें मुरमुरा डालेंगे। तो ये लगभग हो गया है, देखो तो गुड़ का चाशनी बना के, गुड़ जब इस तरह से हो जाए तब ये रेडी हो जाता है। और अभी इसमें ना मुरमुरा डालूंगी, डाल के मुआ बनाऊंगी। तो इसमें मुरमुरा डालना पड़ेगा बहुत सारे। तो यहाँ पे मेरा दीदा डाल रही है, तो इस गुड़ के साथ मुरमुरा को अच्छे से मिला के ऐसे फटाफट लड्डू बनना है। ये हो गया, और इसको ना गरम गरम ही लड्डू बनना चाहिए, ठंडा होते ही नहीं बनेगा लड्डू, सारे खिल जाएगा।
तो मोआ भी बना लिया है, तो ये थोड़ा सा मोआ बनाया फटाफट, बाकी सारे चूरा चूरा हो गया है। कैसा हो गया है, इसको ना ज़्यादा वो हो गया गुड़, तो इसके लिए बाकी ऐसे कर दिया है। तो माता के सामने रखने के लिए इतना है ना, पे बाकी पहले तिल को रोस्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा लाइट ब्राउन रखेंगे इसको, तो देखते हैं अभी तो और फ्राई होगा। तो ये देखो रोस्ट हो गया है, तो लाइट ब्राउन हो गया है, अभी इसको उतार लेंगे। अभी डाल दिया तिल, तो तिल के इसमें तिल का लड्डू बनेगा, तो गुड़ के चाशनी में तिल डाल दिया है। अब इसको फटाफट को ऐसे ठंडा पानी में ना हाथ लगा के फिर बांधना पड़ रहा है। गुलाब को इस तरह से रख दिया है ताकि सुबह तक और अच्छे से खिल जाएगा। यहाँ पे सारे गुलाब को रख दिया है पानी में ताकि सुबह तक अच्छे से खिल जा रही है। कमल लेके आना, तो पंडित जी ने 4 कमल का फूल मंगाया, मैंने 5 मंगा के रख दिया है, तो ये पूजा में लगेगा कल। तो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं ना फ्लावर मार्केट से, तो इस तरह से रख दिया पानी में। और यहाँ पे देखो सारे फूल माला बना लिया है, तो पंडित जी ने 10 माला बनाने के लिए बोला है, तो यहाँ पे है 6-7 बना दिया है, और इसमें से ना एक बड़ा बनाया है। ये देखो ये लौकी माँ लौकी के लिए बनाया है, कि माँ लौकी के साथ उनके घट के साथ आ जाएगा, तो इसीलिए बड़ा वाला है। तो ये मेरे नानी ने बनाया है, देखो तो दीदा कितना सुंदर माला बना दिया है। और बाकी सारे जय ने बनाया है पूजा का जो बर्तन है, थोड़ा यहाँ पे रख दिया है धोके। और ये जो है ना, ये देखो ये बाकी गुलाब मैंने इस तरह से रख दिया है पानी में। तो ये जो है ना एक पूजा का ये तसला है, जब मैं पूरी वगैरह बनाती हूँ पूजा का, तो इसमें बनाती हूँ, तो इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से क्लीन किया था, तो इसमें पानी डाल के रख दिया है, तो सुबह तक ये ताज़ा और फ्रेश रहेगा, तब मंदिर डेकोरेशन में काम आएगा ये। तो सुबह का काम बहुत सारे जो सुबह मुझे करना है वो अभी बहुत लिमिट के रख दिया है, ताकि सुबह ज़्यादा परेशानी ना हो। यहाँ पे जितना प्रसाद बनाया ना सब ढक के रख दिया है। ये देखो ये तिल का जो है नाड़ू, और इसके नीचे ये देखो ये मोआ बनाया है, तो मोआ इतना ही बना है, बाकी सब सूरा सूरा हो गया, वो भी रख दिया है, प्रसाद में जाएगा वो भी। और इतना गुड़ का जो है, जो मुड़ी का जो मोआ होता है ना, गुड़ से बनाया है ये, और ये तिल से बनाया है, गुड़ और तिल का लड्डू है ये। और सब कुछ तो मैंने दिखाया कैसे कैसे बनाया है, और इसके नीचे नारकेल नाड़ू है, तो ये सारे प्लेट से ढक रखा है। ये देखो ये नारकेल नाड़ू है, तो जब ये सब अभी ढक के रख दिया है बना के, तो सुबह 8-9 बजे तक पंडित जी आ जाएंगे, तो इसीलिए सारे प्रसाद वगैरह भी बना के रख दिया, बाकी जो रह गया है वो सुबह सुबह उठ के बनाऊंगी। और यहाँ पे पताशे वगैरह सब प्रसाद में लगेगा, चीनी वो सब रख दिया है। तो चलो फ्रेंड, रात के बज गए हैं 12, वीडियो को ही एंड करती हूँ, और कल है कोजागरी लक्की पूजा, तो लक्की पूजा का सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, मतलब कोजागरी लक्की पूजा के ब्लॉग के साथ। तो सब लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और सब कोजागरी लक्की पूजा अच्छे से बनाइए। तो मैं मिलती हूँ कोजागरी लक्की पूजा के ब्लॉग के साथ। तो गुड नाइट, टाटा बाय बाय।